कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी, कौन सी बैटरी की बात हो रही है? इस बैटरी की बात हो रही है, ये जो मार्केट में मिलती है ऐसी ये बैटरी, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये रही। ये बैटरी का कॉन्सेप्ट आपके सिर्फ समझने के लिए है, ये एनसीईआरटी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है, इसमें से कुछ नहीं आना है एनसीईआरटी में से ना कॉम्पिटिशन में, बस आपकी नॉलेज के लिए है कि बैटरी बनती कैसे है, ताकि आप समझ सकें कि बैटरी के अंदर होता क्या और कैसा मैकेनिज्म है जिससे कि ये इसमें से करंट बाहर निकाला जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये बैटरी कैसी बनी, कैसे बनी का मतलब आपने ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा, है ना, वो केमिकल वगैरह भरते हैं बैटरी में, आपकी गर्मियों में बैटरी में पानी भी डलता है, वो पानी डालते हो तो वो केमिकल तैयार हो जाते हैं और बैटरी फिर जो उसमें एनर्जी आ जाती है, तो कुछ रिएक्शंस है ऐसे, पर चलो हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा इसमें जिसके अंदर एनर्जी है, उसमें आयंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बैटरी के अंदर एनर्जी है और बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करती, बैटरी एनर्जी स्टोर करती है, बैटरी के पास एनर्जी होती है, चार्ज कैपेसिटर स्टोर करता है। तो जब ये बैटरी बनी तो इमेजिन करो ये फैक्ट्री खोल रहे हैं हम बैटरी बनाने की और बैटरी बनाने जा रहे हैं, तो ये पहली बैटरी बनने जा रही है, अभी मार्केट में बेचने के लिए आई नहीं है, तो अभी तैयार हो रही है, तो अपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, बैटरी में अंदर फोर्स है, बैटरी में एनर्जी है जो क्या करेगी, इसके अंदर जो आयंस हैं इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, वो कैसे लगाती है उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, पर बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो एनर्जी क्या करती है, आयंस के ऊपर फोर्स लगती है और कॉन्स्टेंट लगती है, बैटरी के अंदर एक कॉन्स्टेंट फोर्स हर वक्त लगती जा रही है हर आयन के ऊपर, मान लो एफ बी है, एफ बी का मतलब है फोर्स ऑफ बैटरी विच इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। जैसे इमेजिन करो बैटरी क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज को यहां पुश कर रही है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मारती जा रही है धक्का, और नेगेटिव को इधर पुश कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पुश करती जा रही है। हम दो चार्जेस इकट्ठे की बजाय पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लेते हैं, मान लो बैटरी पॉजिटिव चार्ज को, शुरू में इलेक्ट्रोड्स के पास कोई चार्ज नहीं था, बैटरी ने जबरदस्ती फोर्स अप्लाई कर करके पॉजिटिव नेगेटिव देना शुरू कर दिया, ठीक है, बैटरी कर सकती है, बैटरी के पास एनर्जी है, तो सोचो मैं बैटरी की एनर्जी हूं, मैंने यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव करना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई, जैसी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे आना शुरू हो गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब अंदर फील्ड हुआ, बैटरी की फोर्स पॉजिटिव को उठा के यहां फेंक रही है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मान लो, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कमजोर था क्योंकि चार्जेस वीक थे, पर बैटरी काम करती जा रही है, चार्ज और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स भी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कहां राइट एफ ई, ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जा रही है, तो यहां पर ये फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स है बैटरी की, और ये जो फोर्स है ये बढ़ती जा रही है, पहले कमजोर थी क्योंकि चार्जेस यहां पर कम थे, चार्जेस कम थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कम था, तो फोर्स भी कमजोर थी, फोर्स कमजोर थी मान लो 1 न्यूटन थी, तो बैटरी कामयाब हो गई, बैटरी और चार्ज उठा के फेंक रही है पॉजिटिव नेगेटिव, ये फोर्स वीक स्ट्रांग हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि बैटरी चार्ज को डिपॉजिट करती जा रही है, फोर्स बढ़ती 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 कभी ना कभी कितनी हो गई 10 हो गई। अब बैटरी हर वक्त चार्ज को पुश कर रही है बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, वो तो करी जा रही है पर उसकी चल नहीं रही क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑपोजिट फोर्स लगाना शुरू कर रहा है 10 न्यूटन, तो जितने चार्जेस आयंस पड़े थे वहीं की वहीं रह गए, पॉजिटिव नेगेटिव जितना हो गया पर बैटरी हट नहीं रही, बैटरी हर वक्त क्या लगा रही है इसके ऊपर फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्या लगा रहा है फोर्स, आपस में कैंसिल हो रहा है, अब और चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट हो नहीं सकता, ठीक हो गया, लेकिन अंदर मैकेनिज्म चलता जा रहा है, ये वाला धक्का मुक्की चलती जा रही है, हो कुछ नहीं रहा। बैटरी बिकने के लिए तैयार हो गई, ये मार्केट में आ गई, ये ऐसी दिखेगी, इसके अंदर ये मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वायर ली और बाहर एक बल्ब लगाया और ज्वाइन कर दिया, बल्ब ऑन हो गया, क्यों ऑन हुआ मालूम है, जैसी आपने यहां पर वायर लगाई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अंदर से तो रास्ता मिला नहीं भागने का, अंदर तो वो नेट फोर्स जीरो है, बाहर से लाइन आपने जोड़ दी, वायर जोड़ दी, इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया, इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव की डेफिशिएंसी पूरी करना शुरू कर दिया, तो ये चार्ज कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 10 था, इसके बराबर था, अब 9-8 होना स्टार्ट हो गया, जैसे ही 9-8 हुआ बैटरी की फोर्स फील्ड मजबूत हो गई, उसने फिर धक्का मारना शुरू किया, पॉजिटिव नेगेटिव फिर इकट्ठे हो गए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया,
लेकिन वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आता जा रहा है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उससे फील्ड वीक हो रहा है, बैटरी धक्का मार मार के इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर मेंटेन रख रही है, तो हम कहते हैं कि करंट चलना स्टार्ट हो गया, बैटरी धक्का मार मार के चार्ज करती जा रही है, वही चार्ज बाहर से इधर घूम के इधर आता जा रहा है, बैटरी फिर इधर कर रही है वो इधर, तो बैटरी सर्कुलेशन करती जा रही है इन्हीं चार्जेस का, राइट। तो क्योंकि बैटरी का कॉन्सेप्ट एक फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अंदर एक ऐसी फोर्स है जिसके ऊपर हम स्टडी नहीं कर रहे, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए बैटरी के दो टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। हमने क्लास में डिस्कस किया था कैपेसिटर में ईएमएफ बोल दो वी बोल दो कोई फर्क नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि बैटरी वर्क डन कर रही है, बैटरी क्या कर रही है फोर्स लगा के डी डिस्टेंस पे चार्ज को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रही है, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन का नाम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रखते। जब ये नई बैटरी बन के आती है तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस को वी नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, क्लियर है, क्योंकि ये फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी ईएमएफ उतनी ज्यादा होगी।